नमस्कार दोस्तों, देश की संसद भवन में जिस तरीके से नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद प्रखर और निडर होकर आपको बता दे कि अपने हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, और आपको बता दे कि चाहे वो जो है जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनका मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वो अपनी बात रखते हैं और आपको बता दें कि सरकार से आंख मिलाकर अपने अधिकारों को मांगते हैं और अपने समाज के हित की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि हाल ही में करणी सेना के द्वारा, जो राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना है, उसके द्वारा चंद्रशेखर आजाद के कामों को सराहते अपने नेताओं को चेतावनी, यानी कि आपको बता दें कि अपने नेताओं को यह बताया गया था कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी समाज के लिए, अपने समाज के हित के लिए सच्चाई के साथ जो है सरकार से अपने अधिकार मांग रहे हैं, अपने समाज के अधिकार मांग रहे हैं, उनको न्याय देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सवर्ण समाज के सांसद कई सालों से बने हुए हैं, वो अपनी समाज के सच्चे हितेशी नहीं हैं और वो अपनी समाज के लिए जो उनके अहम मुद्दे हैं उन पर अपनी बात नहीं रखते हैं। इस तरीके की जो बात है वो करणी सेना के द्वारा आप देख सकते हो कि ये पोस्ट उन्होंने शेयर की थी, चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने उनके जो दलित समाज है उसका सच्चा हितेशी बताया था। आखिर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि चंद्रशेखर आजाद जो संसद है उसमें हर एक मुद्दे पर विभागी, पहले उन्होंने चमार रेजिमेंट की बात की, तमाम आपको दादी की मुद्दों पर बात की, लेकिन जब करणी सेना के द्वारा यह पोस्ट वायरल की गई तो उसी समय चंद्रशेखर आजाद भी आपको दादी की संसद में ही थे। कल चंद्रशेखर आजाद ने संसद में जो है देश के जो बजट पेश हुआ है उस पर अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठे वो वाकई आपको बता दें कि लोगों से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे और वो बाबा साहब अम्बेडकर और अम्बेडकरवादियों के जो मुद्दे हैं उन पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खड़े उतरे और कांग्रेस हो बीजेपी हो दोनों के लिए ही उन्होंने। ऐसा विकसित भारत है जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन प्रत्येक महीने 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की जानी चाहिए, महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है, एनसीआरबी का डाटा पड़ेंगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे, युवा बेरोजगार है, सड़कों पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जीवन यापन करना पड़ रहा है, किसानों को जो 6000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ा के 12000 रुपए करना चाहिए, बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए भत्ता मिलना चाहिए। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है, दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ, कल उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है, वो आए तो बनने थे आईएएस आईपीएस और बन कर गए, लाशें बन कर गए, यहाँ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी गोली से उड़ा दिया गया गाजियाबाद में और राजस्थान में गर्दन काट दी गई, कैसी कानून व्यवस्था है आपकी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हो। जिस दिन अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट।